वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रौनक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेटा बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अफोर्डेबल एंड यूजफुल मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिनको मैंने मीशो से परचेज किया है। ये सारा लुक मैंने उन्हीं मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करके किया है, आप चेक करो। तो अगर आप भी इस ईद में बजट में स्किन केयर एंड मेकअप चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पे हो आप। यहाँ पे आपको आज सब कुछ मिलेगा, ठीक है, मेकअप एंड स्किन केयर ईच एंड एवरीथिंग। तो देखते हैं कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं। लेकिन उसके पहले आप करोगे मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो क्या करो, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। और अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक मिनट, मेकअप स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ना बहुत से कमेंट आते हैं कि मैं आपके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूं कि मैं अपनी स्किन में क्या यूज करती हूं। तो मैंने सोचा आज मेकअप करने के पहले मैं आपको अपना स्किन केयर रूटीन भी बता देती हूं, ठीक है गाइस। मेरा ना एक बहुत ही इफेक्टिव सा स्किन केयर रूटीन है जो मैं काफी टाइम से कर रही हूं। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे ना तो आपको पता भी होगा, स्पेशली ये वाला। इस वाले वीडियो में ना मेरा सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। सो बैक टू द टॉपिक आते हैं। इस बार ना मैं स्पेशली ईद के लिए ये मेकअप और स्किन केयर कर रही हूँ। मेकअप करने में ना हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारी स्किन की प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, राइट। और ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी स्किन का टेक केयर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है मेकअप करने से पहले, ओके? अच्छा देखो, अब मार्केट में आपको बहुत सी ऐसी वैसी क्रीम मिल जाएगी जो आपकी स्किन के ऊपर ना सिर्फ एक लेयर बना देती है एंड दैट्स ऑल। उससे आपको कोई भी रिजल्ट या बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो सके एंड इफेक्टिव रहे विद इन से, है ना। और इसीलिए मैं यूज करती हूँ ग्रो यंग का फेस सीरम जो कि मेरे स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और मेरे फेस को अंदर से ग्लो प्रोवाइड करता है। और ये एक वाटर बेस्ड सीरम है जो कि बना है विटामिन सी एंड ग्लिसरीन को कंबाइन करके, दैट इज एमिटोस 3GA, जो बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन लेयर्स में। और इसी नेचर की वजह से ये हेल्प करता है स्किन को ब्राइट, हेल्दी एंड नरिश्ड रखने में। ये कोई ऐसा वैसा विटामिन सी सीरम नहीं है, मैंने इसके ऊपर ना प्रॉपर स्टडी की है और उसके बाद ही मैंने इसको अपने यूज में लिया है। इनफैक्ट आपको पता है बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सीरम को यूज करते हैं ऑन डेली बेसिस, सोचो आप। ओके गाइस, तो अब मैं आपको इन्हें यूज करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना फेस वॉश विद ग्रो यंग टर्मरिक एंड एलोवेरा फोम फेस वॉश। और मुझे ना 1 month से भी ज्यादा हो चुका है इसको यूज करते हुए और इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल येलो टर्मरिक फोम, इसमें जो रियल टर्मरिक यूज है ना उस वजह से है। और ये देखो बहुत ही क्यूट हार्ट शेप सिलिकॉन ब्रश जो डीपली इंप्यूरिटीज को क्लीन करेगा। इसमें है लिकोराइज एंड नियासिनामाइड जो मेरी स्किन को ब्राइट, स्मूथ एंड एनर्जेटिक बनाता है, और सैलिसिलिक एसिड जो फाइट करता है एक्ने पिंपल से। और सच में मेरी स्किन बहुत हद तक क्लियर हुई है, जो भी कुछ एक्ने थे वो गायब हो चुके हैं, आप खुद चेक कर सकते हो, हुए है ना क्लियर। तो फेस वॉश के बाद मैं यूज करती हूँ फेस सीरम विद द गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड एलोवेरा जो कि 100% सेफ इंग्रेडिएंट से बना है। वाओ, 2 से 3 ड्रॉप लेके मैं इसे जेंटली अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई करती हूँ और आप देखोगे इन सेकंड्स ये फेस में अब्सॉर्ब जाता है। ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। और नेक पे लगाने के चक्कर में ना यहाँ पे थोड़ा सा सीरम गिर गया यार, येल्लो येल्लो हो गया। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि बहुत से सीरम हमारे फेस को ना चिपचिपा बना देते हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे फायदे हैं ये छोटू सी चीज में, वाओ आई एम जस्ट लविंग इट। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है ऑफ ₹499। 2 प्रोडक्ट्स इतने कम रेट में कैसे, ये सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना। मैं बताती हूँ क्यों, बिकॉज अभी चल रही है समर सेल। मैं तो बोल रही हूँ आपको फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना वहां से ऑर्डर कर लो। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पर्सनली प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ और मैंने बहुत से चेंजेस भी फील किए हैं अपने फेस पे, आपने भी फील किए होंगे मेरे फेस पे। और मैं तो इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ इनके प्रोडक्ट्स की कि मॉइस्चराइजर भी अब तो मैं ग्रो यंग का ही यूज करती हूँ। ये देखो आप, ग्रो यंग का मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन आपको 2 in 1 बेनिफिट मिलते हैं ये एक प्रोडक्ट में, एंड दिस हेल्प्स टू कम्प्लीट माई स्किन केयर एंड लॉक अप एवरीथिंग। मुझे तो इनसे प्यार हो गया और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इनसे प्यार करो, मतलब इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करो और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना, बिकॉज इनके प्रोडक्ट्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, सल्फेट, पैराबेन, क्रुएल्टी फ्री है एंड इज मेड इन इंडिया। सारे प्रोडक्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। एंड टेल मी हाउ डिड यू गाइस फील अबाउट द प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब मैं लगाऊंगी ग्रो यंग का मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ताकि मेरी स्किन मेकअप के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाए, ठीक है। डन डना डन, तो स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैंने ये बीबी क्रीम परचेस की है विच इज स्विस ब्यूटी की शाइन पर्ल वाटर ड्रॉप ब्लेमिशेस बाम। तो ये है हमारी बीबी क्रीम जो कि स्विस ब्यूटी से है और इसका शेड है 01। गाइज इसका शेड देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे शेड का ही आया है, आप देखो कैसा दिख रहा है आपको। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मुझे ज्यादा अच्छा कवरेज नहीं देगा, पता नहीं क्यों, लेट्स सी क्या होता है। अनि चला ब्लेंड करूँ यार। 0.1 कवरेज भी नहीं है इसका।
ऐसा लग रहा है ना कि मैंने अपने फेस पे कुछ लगाया ही नहीं है। 0.0% कवरेज ये दे रहा है मुझे, आप देखो। अब मैं आपको क्या ही बोलूं, आप खुद समझदार हो। ये जो बीबी क्रीम है मुझे लग रहा है कि कॉपी वॉपी तो नहीं कहीं की, यार कॉपी नहीं है, ये स्विस ब्यूटी की ही है, लेकिन ऐसा काम करेगी ये, नाम खराब कर रही है। ओके, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था ₹156 और मेरे पैसे बर्बाद हो गए, ये कुछ भी काम की नहीं निकली। और दुख के साथ देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया है कंसीलर, विच इज लिक्विड लाइट वेट कंसीलर विद फुल कवरेज। वाओ, बीबी क्रीम काम की नहीं निकली, शायद हमारा कंसीलर ही काम का निकले और कुछ दे दे हमें, है ना। और ये है रॉन्जिल का लिक्विड कंसीलर, ठीक है। मैं इसको ओपन करके पहले ही देख चुकी हूँ और ना ये स्विस ब्यूटी के कंसीलर का ना हल्का हल्का कॉपी लगता है यार। तो ये है रॉन्जिल का कंसीलर और ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, दोनों का शेड देखो यार कितना फर्क है दोनों में, ये कुछ ज्यादा लाइट नहीं आ गया। तो लगा के देखते हैं ये रॉन्जिल का कंसीलर कितना कवरेज देता है ये हमें। ओ तेरे की यार, ये तो बहुत ज्यादा लाइट है, ब्लेंड करके देखते हैं। बीबी क्रीम ने जो नुकसान किया है ना वो कंसीलर ने भरपाई कर दी है, आप खुद चेक करो कितने सीमलेसली मेरे पूरे फेस पे ब्लेंड हो चुका है। वाओ, मैं नहीं सोच रही थी ये इतना अच्छा आएगा सच में। हाँ, और अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये रॉन्जिल कॉस्मेटिक का फेयरनेस कॉम्पैक्ट पाउडर, ये देखो आप, ये कुछ ऐसा दिखता है और मैंने इसको ऑर्डर किया है इन शेड 01, यहाँ पे आप चेक करो गाइज, ये बहुत ही अनोखे तरीके से खुलता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप। अरे क्या गिरा, ये जो स्पॉन्ज पैड है ना यहाँ रखा हुआ था इसके अंदर ऐसे। वाओ, क्या बात है, लेकिन हम इसका यूज ना करते हुए हमेशा की तरह ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज करेंगे, ठीक है। मिरर नहीं है यार इसमें, मैं ऐसा मिरर देखने वाली थी। पचका हो गया मेरा, पचका। तो ये ले लिया है मैंने पाउडर। सो गाइस, ये मेरे फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से मैटिफाई कर रहा है, आप खुद चेक करो। वाह, यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे वीडियो बनाने से, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी कोई कुकर पे सीटी लगा देगा, कोई दीवार पे हथौड़ा चलाएगा, कोई ड्रिल मशीन चलाएगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं यार ये लोग। तो मैंने इस पाउडर को ऑर्डर किया है इन एन ओनली ₹120, विच इज वर्थ, आप इसे परचेज कर सकते हो। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो पाउडर के बाद हम करेंगे अपना आई मेकअप, और आई मेकअप के लिए मैंने ऑर्डर किया है ये आई शेडो किट, आप चेक करो, ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है इन शेड रोज गोल्ड, 18 मल्टी कलर आई शेडो आपको इसे मिलते हैं। तो ये रहा हमारा हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट। वाओ, ये कितनी अच्छी लग रही है यार लड़की। सो गाइस, ये वाला आई शेडो पैलेट हमें रिसीव हुआ है, ये देखो आप, सारे वो ही कलर है, एग्जैक्टली सेम। ये जो शेड है ना इन लोगों ने इतना अलग दे दिया, ये शेड वो है ही नहीं। ओके, तो मैं ले रही हूँ ये वाला शेड सैंडलवुड और इसको एज अ ट्रांजिशन कलर अप्लाई करूंगी अपनी आईलिड्स पे, ठीक है। अरे वाह, मुझे नहीं लग रहा था कि ये कुछ भी काम करेगा, लेकिन ये कर रहा है। वाओ गाइस, जो शेड मैंने आंखों के ऊपर लगाया था उसी को मैं अंडर आईज पे अप्लाई करूंगी, ठीक है। मुझे आज अपनी आंखों पे ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, इसके लिए मैं ले रही हूँ हल्का सा ये पिंक डायमंड शेड और इसको ना हल्का फुल्का सा लगा लेंगे, ठीक है। और अगर मैं ये शिमर नहीं लगाती ना तो भी चलता, क्योंकि पिगमेंटेशन तो है ही नहीं इसके अंदर। ब्लैक ट्रफल में भी लोगों ने हल्का सा ना शिमर ऐड करके भेजा है, जबकि ब्लैक ट्रफल ना एकदम जट ब्लैक कलर है, तो ये बिल्कुल पास है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये डेजलर कॉलेज मेकअप असेंशियल 4, मतलब चार चीजें आपको इसमें मिली है, क्रीमी काजल, मस्कारा, आई लाइनर पेंसिल एंड आईब्रो पेंसिल, ठीक है। तो हमें रिसीव हुए हैं ये चार आई प्रोडक्ट्स इन ₹228, तो 228 / 4 विच इज 57, और मैंने पहले इसको कैलकुलेट करके रख लिया था मोबाइल में क्योंकि मेरा मैथ इतना अच्छा है नहीं। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर, जो कि कुछ ऐसी पैकेजिंग में आया है, इसमें आपको शॉर्पनर भी मिलता है। वाओ, और आप ये देखो, ये टूटा हुआ निकला है, इसका जो भी प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे फंसा हुआ है, तो शार्पनर करने के बाद ये इतना प्रोडक्ट इसमें से निकला है और आगे ना शार्पन हो नहीं रहा है क्योंकि वो जो निप है ना वो यहाँ पे अटकी हुई है। ज्यादा फिनिशिंग से ये लग नहीं पा रहा है बिकॉज इसके निप टूट गई है, तो ना ये एजेस में नहीं जा पा रहा है। तो ये आई लाइनर पेंसिल बिल्कुल पास है, मेरी वाली टूट गई लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी भी टूटी निकले। इसके बाद हमारे पास है ये आईब्रो पेंसिल जो कि काफी सेम लग रही है, बस ना ऐसा लग रहा है कि पैकेजिंग का कलर अलग कर दिया है, अलग कर दिया है। और
बहुत ही लाइट लाइट सा मैंने आईब्रो को फिल कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड प्रोडक्ट है तो ये बिल्कुल पास है यार। इसके बाद हमारे पास है ये डेजलर का क्रीमी काजल, लगा के देखते हैं कैसा आया है। वैसे इसका MRP है 80 rupees। अच्छा, तो ये रहा हमारा काजल, ओपन करके देखते हैं कैसा आया है। ये देखो आप, ये इतना ज्यादा पिगमेंटेड है, एक बार के स्ट्रोक में इसने इतना मजे का पिगमेंटेशन दिया है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूं यार। इनके सारे प्रोडक्ट्स मजेदार है क्या, 200% ये काजल पास है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये डेजलर का मस्कारा, इसे भी लगा के देखते हैं और मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत काम का निकलेगा, ठीक है। ओपन करके देखते हैं और अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। डेजलर के सारे आई प्रोडक्ट्स बिल्कुल पास होते हैं, यू मस्ट ट्राई इट। मैं आपको उसका प्राइस पहले बता चुकी हूँ ना, 228 rupees, ये बिल्कुल पास है। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने परचेस किया है ये 4 shade ग्लो ब्लशर पैलेट, शिमरी मैट फिनिश शेड 07। तो कुछ ऐसा रिसीव हुआ है हमें मिस गोल्ड का ये ब्लशर पैलेट, और ये कितनी क्विर्की डिजाइन है ना इस पे। तो ये है हमारे बहुत ही पॉपिंग कलर्स, और ये जो यूट्यूब का कलर है वो कुछ इसमें मिल नहीं रहा। ये ब्रश देने का इनका क्या मकसद रहता है ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वाला शेड, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद चेक करो कितने मजे का पिगमेंटेड शेड था ये। गाइस, इतने कम रेट में जब इतनी अच्छी चीजें मिलती है ना, दिल से अच्छा लगता है। मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन एंड ओनली 134 rupees, विच इज वर्थ। आप इसको जरूर 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 चेकआउट करना, ठीक है। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने परचेस किया है ये रॉन्जल लिक्विड इल्यूमिनेटर हाईलाइटर, अल्ट्रा स्मूथ शाइन वाटर प्रूफ फेस एंड बॉडी हाईलाइटर इन शेड 02 सिल्वर। काफी अच्छी पैकेजिंग में इनके सारे प्रोडक्ट हमें रिसीव हो रहे हैं, अभी ओपन करके दिखा मैं आपको। नॉट बैड यार, अच्छा लग रहा है ना। तो मैं डायरेक्टली लेके कभी भी हाइलाइटर को ऐसा लगाने नहीं लगती हूँ, पहले आप इसको लोगे अपने हाथ पे, ठीक है। ज्यादा नहीं लेना है, बहुत ही थोड़ा सा लेना है। तो ये ले लिया मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर। सो गाइज, जो लिक्विड हाइलाइटर है ये भी बहुत कमाल का निकला। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। मैं आपको उसका प्राइस बता देती हूँ। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था इन एंड ओनली 131 rupees, विच इज वर्थ। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने परचेस की है ये रेड मैट लिपस्टिक ऑफ रॉन्जल आयुर्वेदिक क्रीम सेट फॉर लिप्स, हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन, लॉन्ग लास्टिंग क्रेयॉन लिपस्टिक, स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, पैक ऑफ 12। यस, सही सुना आपने, पैक ऑफ 12। और ये देखो आप, इसमें रिसीव हुई है हमें वो 12 लिपस्टिक, अभी ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी लिपस्टिक है इसके अंदर, वाव। और ये कुछ ऐसे ओपन होता है। टन 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 टन, अब मैं आपको कौन कौन सा शेड दिखाऊं ओपन करके। मजेदार, तो काफी पिगमेंटेड भी है इसका मतलब ये। सो गाइज, लुक एट दिस, ये रहे इसके पूरे 12 शेड्स जो कि मुझे काफी पसंद आए। मतलब अगर आपके पास ये शेड है ना, तो आपको और कोई भी लिपस्टिक पूरी लाइफ में मुझे लग रहा है लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको उसका प्राइस बता देती हूँ, ये मुझे मिली थी सिर्फ और सिर्फ 151 rupees में। यार सोचो, इतने कम कम प्राइस में मैंने इतने मजे मजे की चीज ढूंढ के निकाली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एंड गाइज, अभी के लिए मैंने अप्लाई किया है ये वाला शेड और ये मुझे काफी पसंद आ रहा है, तो ये लिपस्टिक भी मुझे काफी सही लगी। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली। और बस खत्म, इसके बाद मेरे पास और कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सो गाइज, बस यही था मेरा आज का वीडियो मीशो के इस बहुत ही मजेदार मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे। गाइज, मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स बताए हैं ग्रो यंग के, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जरूर जरूर चेकआउट करना अगर आप एक बेस्ट स्किन केयर और मेकअप चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।